वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ डे टू में जुड़ चुका हूँ। ऑल बीबीए स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज अकाउंटिंग के बारे में बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। बहुत लोग अकाउंट्स करते हैं लेकिन एक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हो, ये बात तो फॉर श्योर है कि सर हम बिजनेसमैन है तो हमको किसी का अकाउंटिंग नहीं करना, हमको बिजनेस करना है। क्या करना है मालिक? बिजनेस करना है। तो एज ए बिजनेसमैन आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में। ऐसे लगता है कि नहीं लगता? सर वो बाद में बताओ कि अकाउंटिंग डेबिट क्या क्रेडिट क्या वो तो सीखना ही है, जनरल एंट्री क्या वो भी सीखना है, बराबर लेजर पोस्टिंग क्या वो भी सीखना है, फाइनल अकाउंट कैसे टैली करते हो वो भी सीखना है। बट ये सब क्यों करना है पहले वो तो सीखो। मतलब अगर हमें कहीं पे जाना है तो जाने का रीजन तो पता होना चाहिए, तो एक मोटिवेशन मिले चलने को। वैसी ये बात है दोस्तों, आपको बीबीए में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि आप जो अकाउंटिंग आगे जाके इतनी मेहनत करने वाले हो, जो 11th और 12th में मे बी आपने ना की हो या समझा नहीं हो, तो क्यों हमको ये समझना है? बिकॉज कि आपके अकाउंटिंग करने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है यह समझना जरूरी है। स्क्रीन पे देखते रहो, सिर्फ अलग अलग लेवल से आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। सर क्यों अकाउंटिंग करना है? जस्ट इमेजेस देखो आप, ये सब इमेजेस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, सारी इमेजेस सिर्फ देख लो। ये सब इमेजेस का एक एक करके डिस्कशन होने वाला है और ये सारा ना इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है मालिक? अकाउंटिंग का। 13 पॉइंट्स है 13। आज कुछ पॉइंट्स करेंगे, कल कुछ पॉइंट्स करेंगे, लेकिन इसके बाद आपका पढ़ने का अप्रोच, आपको अकाउंट की तरफ देखने का अप्रोच बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके बेनिफिट क्या है हमारे बिजनेस के लिए। क्योंकि मेजोरिटी बच्चे बीबीए अगर कर रहे हैं तो एक चीज तो है कि आप सब लोग जॉब गिवर्स बनने वाले हो। सो अगर आप कल के मालिक हो तो मालिक को तो पता होना ही चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, फैसिलिटेट रिप्लेसिंग मेमोरी। दोस्तों ह्यूमन ब्रेन्स, हमारा एक कैपेसिटी है, हम कब तक किसी चीज को याद रख सकते हैं? 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मैं बिजनेस कर रहा हूं, किसने कितना फीस दिया रिकॉर्ड ही नहीं रखा, तो क्या मैं आपको एक बार फीस देने के बाद दूसरी बार कॉल करूंगा तो कैसे रहेगा? आप तो गालियां ही दोगे वहां से। छोटी बिजनेस हो गया, हजारों करोड़ जिसका टर्नओवर है, क्या वो बंदा हर एक चीज याद रख सकता है क्या? नहीं सर। और अकाउंटिंग से यही एक इंपॉर्टेंट फायदा है, पहला पॉइंट याद रखो, भी बाद में आप लोगों को लर्न भी करना है। लर्न मतलब क्योंकि पेपर में लिखना है थियोरिटिकल क्वेश्चन क्या था, थियरी भी पढ़ा होगा। फैसिलिटेट रिप्लेसिंग मेमोरी, वर्ड का मतलब तो आपको इमेज के थ्रू समझ गया, अब पढ़ के समझते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग है इसका। एवरीबॉडी, इट फैसिलिटेट रिप्लेसिंग ह्यूमन मेमोरी बाय मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेकेंड चैप्टर में आप डेबिट क्रेडिट से लेके, आप ट्रायल बैलेंस से लेके P&L बैलेंस शीट जो सीखने वाले हो, ये क्यों बना रहे हो? क्योंकि ना ये जरूरत क्यों पड़ी अकाउंट पे आने की? क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन, हम सारी बातें याद नहीं रख सकते थे, लेकिन अगर अकाउंटिंग के बाद 8 साल पहले का भी रिकॉर्ड पूछा ना क्या हुआ था, आपको सब पता चलेगा। क्यों सर? ध्यान दो, ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड बाय इट्स वेरी नेचर, अकाउंटिंग हेल्प ओवरकम दिस लिमिटेशन। कल क्या खाया वो हमें याद नहीं रहता मालिक, बराबर है कि नहीं? और अकाउंटिंग 10 साल पहले या 10 दिन पहले की बात कैसे याद रखी? इसलिए सब कुछ लिख के रखना तब ये नहीं कहा भुक्कड़ हो, क्या बोले भुलक्कड़ हो। आप लोगों को अपना 10 महीने बाद ये समझना चाहिए कि मैंने 10 महीने पहले उस दिन पे कौन सा ट्रांजेक्शन किया था। समझो ध्यान से, द ट्रांजेक्शन बिगिन न्यूमेरियस रिमेंबरिंग ऑल ऑफ देम फॉर ऑल द टाइम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मोर ओवर द इन डिस्प्यूट मेमोरी मे नॉट बी सफिशियंट टू एस्टैब्लिश नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑल ऑफ द ट्रांजेक्शन विच कैन प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम, द बिजनेसमैन नीड नॉट रिलाय ओनली ऑन हिज मेमोरी। तो सबसे पहला अकाउंटिंग क्यों करना है? क्योंकि हमारे मेमोरी का, हमारे ब्रेन का कुछ तो लिमिटेशन है, सारी चीजें हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर वो रिकॉर्ड फॉर्म में रहा, सारे लिखे हुए तरीके से रहा, इसलिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कैसे करना है वो सीखने वाले, पहले क्यों करना है वो तो सीखो। यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 2, एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। क्या बात कर रहे हैं? एक्ट एज अ लीगल एविडेंस, इमेज को याद रखो। पहला पॉइंट तो ब्रेन का इमेज याद आ जाएगा, तो रिप्लेस वाला पॉइंट था। दूसरा एविडेंस करके, अब एविडेंस मतलब पता है ना, सबूत, प्रूफ। यस सर। चलो पढ़ते हैं दोस्तों, बीबीए का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको छोड़ देते और मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन आप सबको मिलेगा। और लॉजिकली, क्योंकि आपको समझ रहा है, आपको चीज मतलब आपको लग रहा है कि हाँ सर ये लॉजिकल पॉइंट है। नाउ एक्ट एज ए एविडेंस, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, एवरीबॉडी पे अटेंशन दोस्तों,
सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन इन सिस्टमैटिक मैनर एक्ट एज अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कुछ झगड़े होते हैं कि भाई तूने इतना पैसा कहां पे खर्चा कर दिया, कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ती है कि तुमने तो ये कहां पे खर्चा किया, दिखाओ इसके प्रूफ दिखाओ, तो तुम ओरली कितना बोलोगे, नहीं लिख के रखा है तो एविडेंस मालिक मैटर करता है। द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइक वाउचर बिल्स एक्सेट्रा और द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेड ऑन द रिस्पेक्टिव डेट। द बेसिक डॉक्यूमेंट एंड द डिफरेंट बुक्स मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर यूजफुल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। कि अगर कुछ झगड़े हुए तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने बना के रखे, जो वाउचर रिसीट, ये तो आपने सुना ही रहेगा कि किसी शॉप में अगर आप जा रहे हो बराबर, वहां पे आपने कुछ चीज खरीदी, उनको आपने पैसे दिए और उन्होंने आपको ना एक वाउचर या रिसीट बना के दे दी कि हाँ एवढं तुम्हें आम्हाला पैसे दिले आहेत, और आप अकाउंटेंट को बोलते हो सर ये देखो 50,000 का मैंने कुछ एक्स वाई ज़ेड एक लैपटॉप लिया, ये 50,000 का बिल है जिसपे ऑथोराइज बिल है सर, डुप्लीकेट नहीं है, कोई फेक नहीं है, ये खर्चा आप नोट कर लीजिए। कल जाके अचानक से किसी ने पूछा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में से, दाखो एवढे पैसे कुठे खर्च केले, तुमको बोलते आना चाहिए कि ये देखो सर बोली बच्चन में टाइम डालने का ही नहीं, बिल निकालो दिखाओ ऑथेंटिसिटी खत्म मालिक, एविडेंस समझ में आया। और वही नहीं रखते तो आज आपको खुद के बारे में खुद का मतलब खुद को एक्सप्लेन करने में खुद के बारे में बताने को कि मैं सही हूं कितना टाइम लग जाता। दो पॉइंट सबको स्क्रीन पे दिखना चाहिए। पहला सर क्वेश्चन भूल रहे हो आप लोग, क्वेश्चन पे ध्यान देने का मालिक। क्वेश्चन क्या था कि बताओ इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। दो पॉइंट हमने डन किए, ये वाले समझ में आ रहा है क्या? यस सर, दो पॉइंट डन। तीसरा पॉइंट जा रहा है हमारा असिस्ट द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्यों करना है, क्यों आपको सीखना है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो ध्यान दो, इट असिस्ट गाइड करता है, किसे गाइड करता है, मैनेजमेंट को इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी एंड इन टेकिंग डिसीजन। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट टू एस्टिमेट फ्यूचर रिसीट एंड पेमेंट एंड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग एंटिसिपेटेड सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ द फंड। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व केयरफुल एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म। इन डिसीजन मेकिंग वन हैज थिंक ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, इवेल्युएट देम टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग देम टू फुलफिल द प्लान ऑब्जेक्टिव। फॉर बोथ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग दस रिकॉर्डिंग इज ऑफ द पास्ट इज मस्ट। अकाउंटिंग क्रिएट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर क्या बड़बड़ की, कुछ समझाने ध्यान दो। दोस्तों मैंने क्या किया, मेरे बहुत सारे साल के ना रिकॉर्ड्स पड़े थे, साल छोड़ो मंथ के हिसाब से, मेरा सेल ना मंथ के हिसाब से वेरी होता है। तो मैं जैसे ही गया मेरे एक्सेल शीट में गया, मैंने देखा कि यार मैं ना ऐसे मंथ वाइज, एक मिनट आपको ना डेटा दिखाता हूं, कुछ बात है ये देखो, ये मैं ना ईयर वाइज कंपैरिजन कर रहा था, तो मुझे देखा कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर सीजन में ना बहुत ज्यादा मेरे सेल्स बढ़ जाते हैं, तो यहां पे मैंने बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये फिगर्स मुझे कहां से मिले, मेरे पास्ट जो मैंने डेटा रिकॉर्ड किया सब वहां से, और डेटा में हमको अच्छा वो भी छोड़ो, चलो ये सब बातें गई इस साइड में रखो। आपको पता है जब जो क्रिकेट देखते होगा ना उसे समझ रहा होगा, बुमराह और मुंबई इंडियंस जो स्पेसिफिकली जो मुंबई इंडियंस के मैचेस वगैरह देखते होगे, जो बॉलर है जो डेथ ओवर में जो फास्ट, जैसे बुमराह हो गया, मलिंगा एक टाइम पे था जो प्रॉपर यॉर्कर डालते थे, उनको ही क्यों बॉलिंग देते, जो पास्ट उनका अगर आप परफॉर्मेंस का एनालिसिस देखोगे ना तो डेथ ओवर में सबसे कम रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर है। तो मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि इनको हम बॉलिंग देंगे, इनको ही लास्ट ओवर देंगे ताकि मैच जिता दे, क्योंकि अब तक का इतिहास है। तो डिसीजन मेकिंग में फायदा हुआ ना मालिक, तो ऐसे ही हम अकाउंटिंग में भी करते हैं। तो तीसरा एडवांटेज ये है असिस्ट मैनेजमेंट कि आपको कैसा डिसीजन लेना और कौन से टाइम पे सही डिसीजन लेना है, राइट। ओके मालिक, पॉइंट नंबर फोर क्या पॉइंट है देखते हैं, चलो एवरीवन, फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर असेट। यस सर, अकाउंटिंग का फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इमेज दिखा दो सर, अब तक आपने इमेज दिखाया, इमेज देख के पहले तीन पॉइंट तो लर्न हो गया आपके बीबीए के, अभी तो कॉलेज चालू नहीं हुआ लेकिन आपको यह समझ रहा है कि सर व्हाई अकाउंटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सर रिप्लेसिंग मेमोरी, समझ में आ रहा है कि ह्यूमन ब्रेन एक लिमिटेड टाइम तक याद रख सकता है, तो हमने उसे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, मतलब एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में, कंप्यूटर बोलो या नोटबुक्स बोलो। उसके बाद एविडेंस के लिए काम में आता है, उसके बाद मैनेजमेंट को क्या करता है, असिस्ट करता है, और चौथा आप ये असेट देख रहे हो असेट पे कंट्रोल कैसे रखा जाता है, पढ़ते और समझते हर एक बात को। यस दोस्तों, यस सर, नो, यस सर, इट फैसिलिटेट व्हाट, अकाउंटिंग फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर असेट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आपके पास कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने डेटर्स है, ये समझते हैं ना आपको, डेटर्स मतलब जिसको उधार पे गुड्स दिए हुए हैं, कितने फिक्स्ड असेट है,
फिक्स एसेट समझते हो, जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कितना आपके पास स्टॉक्स है एक्सेट्रा। सर क्या क्या बड़ी बात बता दी, ये तो हमको ऑलरेडी पता था। मैं वही बता रहा हूँ तुमको, बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता भी होगी, लेकिन वो बीबीए में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में उसे प्रेजेंट कैसे करना है। आपको बहुत सारी बातें पता थी, अब क्या हो रहा है, वो नॉलेज इकट्ठा हो रहा है, एक जगह पे आ रहा है। समझ में आया? ओके सर, इट फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर असेट बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, फिक्स असेट एंड स्टॉक एक्सेट्रा। फॉर कंट्रोल द मैनेजमेंट हैज टू सेट टारगेट टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर एक्चुअल विद द टारगेट, फाइंड आउट रीजन, फाइंड, ये मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ये लाइन में भी आपको नहीं समझी रहेंगी। फाइंड आउट रीजन फॉर द डेविएशन एंड डेवलप रिमेनिंग रेमिडियल एक्शंस। सर ये ना सच में नहीं समझा, पूरा बाउंसर गया। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पहले वो बोलना क्या चाहते थे वो समझ लो। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर एनालिसिस किया और एनालिसिस करके एक बात को समझा कि एट आवर्स में 150 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए। मैं मेरे हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैनेजमेंट ने क्या कहा कि 8 आवर्स में 150 यूनिट्स क्या होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन 8 घंटे में सिर्फ 95 यूनिट प्रोड्यूस हुए। आप मुझे बताओ ये सही है कि गलत है, बोलो चलो एवरीवन। आप कहोगे सर ये तो गलत है ना, ऐसे कितना इतना कम यूनिट कैसे प्रोड्यूस हुआ। यस, ये जो आपने, आपको कब पता चला कि 95 सही यूनिट नहीं, ये कम है, जब आपके पास उससे कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड था। तो मैनेजमेंट पहले एक स्टैंडर्ड सेट करती है, और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो 95 इट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल अगर स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता तो ये जो डेविएशन आया, डेविएशन वर्ड आया था, देखो वापस लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। ये जो डेविएशन आया, ये जो फर्क आया 55 का, ये फर्क क्यों आया, इसके रूट कॉज को ढूंढो और इसके अगेंस्ट कोई चीजें सुधारो जिससे आप उस पॉइंट को हटा सकते हो और उस पर कंट्रोल लेके आ सकते हो। समझ में आया? अगर मैं स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करता, मुझे पता ही नहीं रहता कि 150 मेरा स्टैंडर्ड एक्चुअल इतना होना चाहिए, तो कैसे मालिक मेरे को, मैं कुछ रेमेडियल एक्शन ले पाता। यस और नो? चलो ये पॉइंट पढ़ो दोस्तों, समझना, ऐसे भागना नहीं है, भले आज के लेक्चर में 5-1 पॉइंट हुआ तो भी चलेगा। नाउ पे अटेंशन दोस्तों, मैं वापस पढ़ रहा हूं। ओके, फॉर कंट्रोल मैनेजर हैज टू सेट टारगेट मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस। टारगेट मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है स्टैंडर्ड के साथ, जो टारगेट था उसके साथ। फाइंड द रीजन फॉर डेविएशन, मतलब 150 बोला था, 195 क्यों हुआ, राइट, एंड रेमेडियल एक्शन लिया जाएगा। द डेटा फॉर ऑल दिस स्टेप इज प्रोवाइडेड बाय बुक्स, बाय बुक कीपिंग, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू इफेक्टिव कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट पर्सनल एक्सेट्रा इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, बुक कीपिंग बाय कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच रिलेटेड एस्पेक्ट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कि हमने सारी बातें इतना प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखी है, ये 95 क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा सर उस दिन ना लाइट गई थी, बहुत जोरों से बारिश आई थी तो ना लाइट चली गई थी, मशीनरी में समझो कोई एक्सवाइजेड नुकसान हो गया था, मशीन बंद पड़ गई थी, इसीलिए क्या हुआ हमको डिले और हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो रीजन दिया क्योंकि लिख के रखा था, कुछ असेट इतने होने चाहिए थे, कुछ असेट कहीं ना कहीं कुछ आपके ना छोटे मोटे ऐसे स्पेयर पार्ट इधर उधर गायब हो गए, लेकिन बाद में समझा कि कुछ स्पेयर पार्ट बाहर भेजे गए थे उसका भी रिकॉर्डिंग था। कहाँ पे बुक कीपिंग मेंटेन, सारी बातें प्रॉपर तरीके से लिखी हुई थी, तो आपको ना उस मैनेजमेंट में कंट्रोल रखने में, हिसाब मांगने में सर आसानी होगी। लास्ट पॉइंट पढ़ते, बाकी के पॉइंट कल करेंगे। पांचवा पॉइंट पढ़ रहे हम लोग दोस्तों, अकाउंटिंग इसीलिए जरूरी है बिकॉज इट फैसिलिटेट कंप्लाइंग विथ लीगल रिक्वायरमेंट। क्या लीगल रिक्वायरमेंट है देखो दोस्तों, ये देखो ये दो लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कंप्लायंस समझता है, टाइम पे रिटर्न फाइल करना, कुछ एक्सवाइजेड जो गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा है कि इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी तो आपको करनी ही है, आप नहीं नहीं बोल सकते। देखो एक बिजनेसमैन को ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस नहीं चलाता। अपने वर्कर्स का ध्यान रखो, अपने कंपनी का ध्यान रखो, और ऊपर से ऊपर अपने कंपनी के साथ, अपने वर्कर के साथ ध्यान रखो अपने कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस का। इसीलिए सीए और सीएस का रोल आता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। लेकिन क्यों अकाउंटिंग का क्या इस पॉइंट से संबंध है वो पढ़ते हैं मालिक। चलो ध्यान दो एवरीबॉडी, पे अटेंशन। ओके ध्यान दो, लास्ट पॉइंट आज का, इट फैसिलिटेट क्या, इट फैसिलिटेट एवरीबॉडी कंप्लाइंग विथ लीगल रिक्वायरमेंट विच मेक इट मैंडेटरी दैट एंटरप्राइज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 209 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये पुराना कंपनीज एक्ट है, अब कंपनीज एक्ट 2013 भी आ गया,
लेकिन आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बेसिस के हिसाब से बता दूं, जो 1956 कंपनीज एक्ट था उसका जो सेक्शन है 209, वो क्या बोलता था कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनी टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन अक्रूअल बेसिस। अब अक्रूअल क्या पता है ना, एक होता है कैश बेसिस, सिर्फ भावना समझो। कंपनीज एक्ट 2013, जब आप रेगुलर लेक्चर में आओगे, लाइव सेशंस में आओगे, तो मैं इसका ना आपको एक लॉजिकल आंसर भी दे दूंगा कि 2013 का कौन सा एक्चुअली सेक्शन है, या 1956 दिया है तो क्यों दिया, या क्या उनमें एक्चुअली लॉजिक है, सब बताऊंगा। अक्रूअल बेसिस मतलब क्या, जिसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और इंडिया में तो अक्रूअल बेसिस पे ही चलता है, राइट। अंडर सेक्शन 44AA द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिक्वायर सर्टन पर्सन टू मेंटेन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एक्स वाई जेड पर्सन को देखो, एक कंपनीज एक्ट और एक इनकम टैक्स एक्ट, इन दोनों एक्ट ने क्या कहा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो हो सकता है आपको पेनल्टीज भरनी पड़े। पांच ही पॉइंट देखे मालिक आज, क्या देखा हमने सबसे पहले कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो अकाउंटिंग कर लो, लॉन्ग टर्म याद रहेगा। एविडेंस के लिए अकाउंटिंग चाहिए, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी होता है, वो डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। लास्ट वन आपका असेट मैनेजमेंट, एंड उसके बाद वाला पॉइंट देखा हमने कि कंप्लायंसेस, सारे चीज़ों को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना। किसी लॉ ने कहा है कि एक्स वाई जेड कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी मेंटेन करना है तो करना ही पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो दोस्तों आज छोटा ही लेक्चर रखते हैं, बिकॉज कल आके हमको और डिटेल में पढ़ना है, 13 पॉइंट्स है, लेकिन क्या आपको व्हाई अकाउंटिंग के ये 5 पॉइंट समझे क्या? फैसिलिटेट रिप्लेसिंग मेमोरी, दूसरा एविडेंस एक्ट एज अ लीगल एविडेंस, तीसरा असिस्ट द मैनेजमेंट, एंड तीसरा फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर द असेट्स, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन क्या था, लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी आपका लीगल रिक्वायरमेंट है, जो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, जो कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। उसके बाद है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, देन आफ्टर टैक्स लायबिलिटी कैसे सेटल होता है, सो ऑन। बट थ्योरी लेक्चर है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो पहले लेक्चर में यही तक, पहले 5 पॉइंट आपको याद रखने, अगर पहले 5 पॉइंट इमेज देख के याद रहते हैं तो अगले 7 कल हो जाएंगे। चलो यहीं पे रुकता हूं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।